हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है ज़ीरोधा काइट के अंदर आप सभी लोग अपना एक नया डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट घर बैठे बैठे मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे ओपन कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने सारे स्टेप आपको बता दिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आने पर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस साइट पर आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले मोबाइल नंबर डाल के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, OTP डाल के इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर कुछ डिटेल डालनी होगी, जैसे कि आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करके अपना जो भी ईमेल पहले से आपके मोबाइल फ़ोन में है उसमें से कोई एक ईमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मैन्युअली भी अपना नाम और ईमेल यहाँ पर डाल के कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, तो आप जैसे भी करके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, 7 स्टेप के अंदर हमारा अकाउंट यहाँ पे ओपन होने वाला है और सारे स्टेप ही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल के जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है पैन कार्ड पर वो डाल के कंटिन्यू करिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग फीस दूसरे स्टेप में आपको पे करना होता है, जो कि अभी 200 रुपये है। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको इक्विटी, FNO, करेंसी, कमोडिटी कौन कौन से सेगमेंट में आपको अकाउंट ओपन करना है। अगर आप FNO यानी कि ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो FNO को टिक रहने दीजिएगा। करेंसी कमोडिटी में भी करना चाहते हैं तो उनको भी टिक रहने दीजिएगा। तो जिस भी सेगमेंट में आप यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं उसको यहाँ पे टिक रहने दीजिएगा, जिसमें नहीं करना चाहते हैं उससे टिक यहाँ पे हटा दीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, किसी भी माध्यम से ये 200 रुपये जो है इनको पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इनको पेमेंट कर देता हूँ फटाफट। चलिए, 200 रुपीज़ का पेमेंट आपके सामने ही यहाँ पे करने के बाद अगले स्टेप में हम यहाँ पे चलेंगे। तो 200 रुपये हमने पे कर दिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, आधार के साथ हमको KYC करनी होती है, डिजी लॉकर के साथ, ठीक है। अपना KYC हम यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे डिजी लॉकर के साथ। यहाँ पे कंटिन्यू डिजी लॉकर नीचे दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे डिजी लॉकर की साइट पे, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर आपसे पूछा जाएगा, जिसको डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद जो भी नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होगा उसके ऊपर एक OTP भेजा जाएगा, जो कि 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है। आपको यहाँ पे वो OTP इंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है और OTP वेरीफाई करना है, जिससे आपकी KYC ऑनलाइन हो जाए। इसके बाद देखिए, यहाँ पे ज़ीरोधा कुछ परमिशन मांगता है आपसे, डिजी लॉकर को जो हमने साइट ओपन किया है उससे जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे फीच करने के लिए, तो उसको आप ग्रांट कर दीजिएगा। इसके बाद ये जो आपका स्टेप है सेकंड स्टेप, ये पूरा हो जाएगा। थर्ड स्टेप में देखिए, यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल डिटेल देनी होती है, जैसे कि आपको अपना सबसे पहले मैरिटल स्टेटस देना होता है, यानी कि आप जो है शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उसमें टिक कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे पेरेंट्स का, आपका पेरेंट्स का डिटेल लिया जाता है। पेरेंट्स के डिटेल में सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फादर का फर्स्ट नेम, फादर का लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मदर का लास्ट नेम, ये चीज़ें आपको यहाँ पे करेक्टली इंटर करना है। इसके बाद आप देखोगे तो बैकग्राउंड का भी ऑप्शन रहता है, यानी कि आपका एनुअल इनकम वगैरह पूछा जाएगा। तो एनुअल इनकम पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग रेंज रहेंगे, जिस भी रेंज में आप आते हो इनकम रेंज में वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे फंड एंड सिक्योरिटी सेटलमेंट, तो आप जो दो ऑप्शन हैं दोनों में से कोई भी क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में आप बिगिनर कर सकते हैं या फिर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, न्यू कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन में आप स्टूडेंट पे क्लिक कर दीजिएगा या फिर आप जो कोई काम करते हैं तो वो कर दीजिएगा। पॉलिटिकली एक्सपोज में आपको नो करना है, ठीक है, पॉलिटिकली एक्सपोज में आपको नो कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक करना होता है, जिससे आप पैसे निकालेंगे और पैसे विड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे ब्रांच का IFSC कोड डालना होगा। IFSC कोड डालते ही देखिए MICR कोड जो है अपने आप यहाँ पे आ जाता है, बस आपको IFSC कोड डालना होता है। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, और नीचे देखिए दो टिक्स दिए गए हैं, तीन टिक्स दिए गए हैं बेसिकली, तीनों पर आपको चेक करके यहाँ पर कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। तीन चार चेक्स दिए गए हैं, चारों चेक्स पर आप क्लिक करके आपको कंटिन्यू करना होता है। तो चलिए, बैंक डिटेल हम यहाँ पर डाल देते हैं, IFSC कोड वगैरह। तो यहाँ पे हमने सारे डिटेल डाल के अपना बैंक वेरीफाई कर लिया। इसके बाद 1 रुपया भी हमारे अकाउंट में आया। इसके बाद अगले स्टेप में देखेंगे तो आपसे पहले यहाँ पे परमिशन मांगा जाएगा, ताकि आपका कैमरा यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर ओपन हो सके ज़ीरोधा के। इसके बाद जब ओपन होता है तो आप देखोगे यहाँ पे एक पेज के ऊपर एक लड़की रहेगी, उसके ऊपर कुछ नंबर लिखे रहेंगे, आपके अकाउंट आपको जो नंबर दिया रहेगा वो अलग यहाँ पे लिखा रहेगा। मेरे में 1144 है, जो भी नंबर लिखा है ऐसे सादे पेपर के ऊपर वो नंबर आपको लिख के आपको फ़ोटो के यहाँ कैमरे के सामने एक फ़ोटो अपना कैप्चर करना होता है, जिस तरह से ये लड़की खड़ी है। 1144 मेरा नंबर है, लेकिन आपको अलग नंबर दिया रहेगा जिससे आपका IPV वेरीफिकेशन हो जाए,
तो ये हमने कर लिया। छठे स्टेप में हम आ गए हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जिससे हमारा अकाउंट फटाफट खुल जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो क्या है, सबसे पहले एक कैंसिल चेक यहाँ पे या फिर स्टेटमेंट जो है बैंक का, वो हम चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जो भी बैंक हमने यहाँ पे इंटर किया है उसी बैंक का जो है यहाँ पे डिटेल हमको इंटर करना है, कैंसिल चेक या स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो भी बैंक आपने डाला है उसका कैंसिल चेक या स्टेटमेंट अगर आपके पास है 6 मंथ का, तो वो यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर या फोटो फॉर्म के अंदर। आप अपना बैंक का पासबुक भी यहाँ पे फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें करने के बाद नीचे आप देखोगे तो इनकम प्रूफ जो है वो ऑप्शनल है, मैंने पहले ही आपको बताया। अगर आप FNO में करेंसी वगैरह में ट्रेड करना चाहते हैं तो ही आप जो है यहाँ पे ऑप्शनल, ये जो ऑप्शन है इनकम प्रूफ का, इसको यहाँ पे आप लोग अपलोड करिएगा। इसमें देखिए बैंक का स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, सैलरी स्लिप अपना अपलोड कर सकते हैं, ITR एक्नॉलेजमेंट अपलोड कर सकते हैं, फॉर्म 60 अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपके पास है सहूलियत है उससे आप यहाँ अपलोड करिए। अगर FNO में ट्रेडिंग नहीं करनी है तो इसको अपलोड मत करिए, ठीक है। इसके बाद नीचे देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो सिग्नेचर यहाँ पे आप लोग एक सादे पेपर के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। स्क्रीन के ऊपर भी सिग्नेचर करने के लिए आता है कभी कभी, अगर वो आ जाता है तो आप स्क्रीन के ऊपर भी सिग्नेचर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे आपको पैन कार्ड का अपना जो है एक फ़ोटो वो भी अपलोड करना होता है, ताकि आपका पैन कार्ड भी यहाँ पे इनके पास हार्ड कॉपी मिल जाए, इनको इसको ये लोग स्कैन कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पे डालना है, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एंड अब लास्ट स्टेप में हम आ गए हैं, यहाँ पे देखिए हम सिर्फ इक्विटी के अंदर ही अपना अकाउंट खोल रहे हैं, और अगर आप FNO में खोल रहे हैं तो यहाँ पे FNO के लिए भी साइन करना होता है आपको, इक्विटी और FNO के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई साइन करेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। देखिए हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो गया है, जितना भी डिटेल हमने डाला है उसके बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ई साइन हम क्या करेंगे, अपने आधार कार्ड की मदद से ई साइन करते हैं। तो ई साइन पे हमको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। तो आप देखोगे इस साइट पे आप आओगे, ठीक है, ये जो आपका DGO का साइट होता है यहाँ पर आप आओगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने फॉर्म को एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोसीड टू ई साइन के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके बाद आप देखोगे आपका फॉर्म वगैरह रेडी रहेगा उसको साइन करने के लिए। यहाँ पे NFDL की साइट पे आप आएंगे, यहाँ पे टिक करने के बाद आधार कार्ड नंबर डालिएगा, सेंड OTP पे क्लिक करिएगा, एंड फिर से वही आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा, वो OTP डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो फॉर्म है वो डिजिटली यहाँ पे साइन हो जाएगा, यानी आपको कोई भी हार्ड कॉपी वगैरह की ज़रूरत इस पूरे अकाउंट ओपनिंग के दौरान नहीं पड़ने वाली है, घर बैठे बिठाए ही आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए हमने साइन कर दिया है, हमारा फॉर्म जो है वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, पूरा फॉर्म यहाँ पे Zerodha के अंदर अकाउंट ओपनिंग का हमारा बन गया है, और जितने भी डिटेल हमें डाले हैं वो हम यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये घूम फिर के फिर से जो है आपको फिर से ईसाइन करने का ऑप्शन दोबारा से आ जाता है, तो ये ग्लिच होता है कभी कभी। आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह डाल के फिर OTP पे क्लिक करके फिर OTP मंगा के डाल देना है, इससे जो है आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, कुछ लोगों का शिकायत ये रहता है। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है सारा स्टेप अपना कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, तो बस हमको क्या करना है, फिनिश पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे लिख के मिलेगा, कंग्रेचुलेशंस योर एप्लीकेशन इज़ कंप्लीटेड, आफ्टर वेरिफिकेशन यू विल रिसीव योर लॉगिन क्रेडेंशियल ऑन योर ईमेल, ठीक है। आपको अपने मेल और SMS के ऊपर जो है लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब कि आपका यूज़र ID और पासवर्ड वगैरह आपको सेट करने के लिए आपको मेल के ऊपर मिल जाएगा, दो से तीन वर्किंग डेज के अंदर। देखिए वर्किंग डेज को आप जो है सैटरडे और संडे को मत गिनिएगा, उस दिन यहाँ पे वीक ऑफ रहता है। इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, Zerodha का एप्लीकेशन ऑफिशियली जो है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आपका क्रेडेंशियल आ जाए यानी ID पासवर्ड आ जाए तो उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके उसमें अपना लॉगिन करके ट्रेडिंग वगैरह इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।